राधे कृष्ण सभी को, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास ये दो पार्सल्स हैं जिनमें इनका सामान है, हमारे जय गोपाल जी का, और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आई नो मेरे चैनल पे बैक टू बैक अनबॉक्सिंग के वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है ना भाई, तो जन्माष्टमी में शॉपिंग करना तो बनता है। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग की है ज़्यादातर, तो ये सब जो ड्रेस आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी वगैरह भी मैंने काफ़ी कुछ ऑनलाइन ही शॉप किया है, तो इसलिए इतने सारे अनबॉक्सिंग के वीडियोस बन रहे हैं, ताकि आप लोग भी जन्माष्टमी में, अगर आपको ज़रूरत है, आपको सामान पसंद आता है, तो आप लोग भी शॉपिंग कीजिए। काफ़ी रीज़नेबल रेट में सब कुछ अवेलेबल हुआ है मुझे। तो अब ये दो पार्सल्स मैंने दोनों ही मीशो से ऑर्डर किए हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि इसमें मैंने हमारे जय गोपाल जी के लिए क्या मंगवाया है। लेट्स ओपन इट। थोड़ा ध्यान से, ये कैचियाँ भी ना एक्चुअली शार्प होती हैं, और इनकी पैकिंग भी बहुत ऊपर ऊपर से की होती है, तो हम इसको ध्यान से ओपन करेंगे। ओके, तो इसमें है ये केस, यानी कर्ली से बाल। ये दो पेयर्स, मतलब दो इन नंबर्स थे, दिस इज़ ऑल। तो ये कर्ली बाल हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, 5 एंड 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हैं ये बाल। तो अब ये पहना के भी देख लेते हैं हम साथ ही साथ। ये हैं इनके कर्ली कर्ली बाल। खैर, क्वालिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी आई है, एंड साइज़ वाइज भी मुझे लगता है कि ये फिट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे भी जो फिनिशिंग होती है अच्छी है, कर्ल्स भी काफ़ी अच्छे किए हुए हैं, घने हैं। एक मिनट में इसको भी खोल के देख लेते हैं। ओके, ये थोड़े कम घने हैं, बट फिर भी चल जाएंगे। ये ज़्यादा घने हैं, यू नो, देखिए ये लंबे थोड़े हैं, बट ये ज़्यादा घने, और फिनिशिंग में ये ज़्यादा अच्छे हैं। ये कम घने हैं, एंड कर्ल्स तो इसके भी ठीक है, यहाँ की फिनिशिंग भी इसकी ठीक है। ओके, सही है। अब पहना के देख लेते हैं, फिर इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बात करती हूँ। पहले एक मिनट में पहना के देख लेते हैं कि कैसे लग रहे हैं। ओके, वाओ, ये पेयर तो सही से आ गया। सॉरी, ये मतलब ये वाले बाल तो सही से आ गए, इनको सेट करना पड़ेगा, बट अच्छे लग रहे हैं। ओके, दिस इज़ द ओपनिंग। ये कुछ इस तरह से ओके फिक्स हो जाएगा, ये ऊपर से पगड़ी पहनाने के बाद या मुकुट पहनाने के बाद सेट हो जाता है। तो ये इस तरह से लग रहे हैं, अच्छे हैं, घने हैं, कर्ल्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, बालों की शाइन भी है, और साइज़ भी सही है। अब ये वाले डालकर देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। इसको यहाँ से डालते हैं। ओके, इनको थोड़ा सा कर्ली बालों का यही होता है कि इनको ना सेट करना पड़ता है दोनों हाथों से अच्छे से, और फिर मुकुट वगैरह पहनाना पड़ता है। अभी तो थोड़े से बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, बट आई एम श्योर जब मैं इनको अच्छे से, हाँ ये देखिए ये बाहर आ गया है पीछे का, जब मैं इनको भी अच्छे से सेट करूँगी ना, तो ये भी काफ़ी प्रिटी लगेंगे। या हम ऐसे रख के ट्राई करते हैं। ये खैर, हाँ अभी भी बिखरे से लग रहे हैं, ये थोड़े से है इसमें बिखरा, थोड़ा सा ये ऐसे बिखरे हुए हैं, बट कोई नहीं, सेट हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले पैर पे करनी पड़ेगी सेटिंग में, एल्स दिस इज़ द बेस्ट वन। आप देखिए कितने प्यारे से कर्ल्स है इसमें, एंड क्वालिटी भी अच्छी है, शाइन अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, एंड यहाँ से ये साइज़ भी अच्छी है। 5 एंड 6 नंबर के लिए था, दोनों ही 5 एंड 6 नंबर के लिए थे, दो नंबर्स। और ये मुझे 112 रुपीज़ में विथ ऑल रिटर्न्स। इसमें बस ऑनलाइन का एक बेनिफिट मतलब मैंने लिया, जो मैं मोस्टली सभी में लेती हूँ, तो 112 में मुझे ये दो मिले हैं, तो इट्स अ गुड डील।
बहुत अच्छे हैं, मतलब रेगुलर इसके हिसाब से तो प्राइस वाइज तो काफ़ी अच्छे हैं। एंड यस आई एम हैप्पी विद दिस परचेस, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। तो आपको भी अगर पसंद आए तो आप साइज़ वगैरह देख के अकॉर्डिंगली आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पार्सल की। तो इस पार्सल में ना एक्चुअली मैंने एक बहुत ही प्रिटी यूनिक सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस मंगवाई है। एंड वो ड्रेस ना मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ, आई एम सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई, या मतलब मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे इस ड्रेस को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैंने मतलब आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस। तो ये ड्रेस एक यूनिक सी ड्रेस है जो मतलब जन्माष्टमी के लिए इट्स परफेक्ट। तो इसमें ये ड्रेस में मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर ये ड्रेस का मतलब जो पैटर्न ऐसा है कि अगर मैं ऐसे ही शेयर करती ना तो इतना अच्छे से उसका लुक नहीं समझ में आता, उसका आइडिया नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ना उसको वेयर करके दिखाएं क्योंकि वो अलग पैटर्न की ड्रेस है, तो वेयर करने के बाद ज़्यादा आइडिया आएगी। और सिंपली मैंने तो वेयर करके देखी, काफ़ी क्यूट लग रही थी, यूनिक सी ड्रेस है काफ़ी, उसका मतलब डिज़ाइन जो कहते हैं ना डिज़ाइनर ड्रेस थी, है मतलब डिज़ाइनर ड्रेस है। तो मैंने वेयर करके देखी, साइज़ वाइज इट्स परफेक्ट, क्वालिटी वाइज इट्स परफेक्ट। तो वेयर करके मैंने देखी, मैंने तब भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर हो जाता है कि वेयर करने के बाद और ज़्यादा गेटअप आता है जब आप अच्छे से उसके साथ ज्वेलरी एंड मेकअप करते हैं, तो उसका एक्चुअल लुक आपको पता चलता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो नो वरीज, मैं बहुत जल्दी, मैंने दिन सोच लिया है कि किस दिन मैं वो ड्रेस वेयर करने वाली हूँ, जन्माष्टमी से पहले ही करने वाली हूँ और अच्छे से हमारे जय गोपाल जी को रेडी करने वाली हूँ उस ड्रेस के साथ। तो मैं तब उसका कंप्लीट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग देखिएगा, वो ड्रेस बहुत यूनिक सी है, मतलब एटलीस्ट मुझे आप लोगों को तो नहीं पता, पर एटलीस्ट मैंने जो अभी इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, 4-5 सेलर्स मेरे हो गए हैं, तो उसमें मुझे कहीं पर भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला। This was completely a unique purchase and I'm happy with that purchase also. ये भी बहुत मुझे प्यारा लगा, वर्थ लगा। तो इसके बारे में जब हम वेयर करेंगे, रेडी करेंगे, तब हम और डिटेल में बात करेंगे, ड्रेस दिखाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब जिस दिन मैं ड्रेसअप करूँगी इनको उस ड्रेस में। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं उस ड्रेस के बारे में सोच कर कि जिस दिन वेयर करेंगे उस दिन कितने क्यूट से लगेंगे। तो उसका वीडियो भी जल्द ही पोस्ट किया जाएगा, स्टे ट्यून्ड। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कान्हा जी सब पर अपनी कृपा रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें, राधे कृष्णा।